सो व्हाट इज़ अप मेरी फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग हैं जयपुर में और हम लोग आए हुए हैं कॉम्पिटिशन के लिए जो कि ऑर्गेनाइज करवाया है प्रो पंजा लीग F4 फिटनेस एक्सपो में हो रहा है। एंड जयपुर में वादियाँ देखो भाई, क्या हसीन वादियाँ है। हम जयपुर रात को पहुंच गए थे यहाँ पर एंड मेरे को जाना तो आज लखनऊ था बट लखनऊ इसलिए नहीं जा पाया सम रीज़न से, तो मेरे को इसलिए यहीं पे रुकना पड़ा। तो मैं जयपुर आ गया क्योंकि जयपुर से बहुत कन्वीनियंट है, दिल्ली 5 घंटे में वापस पहुंच जाऊँगा। ख़त्म होते ही कॉम्पिटिशन वापस निकल जाऊँगा क्योंकि कल एक सेमिनार है जो अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं आया हूँ अत्री भाई के साथ और उनका एक फ्रेंड और है राम भैया, उनके साथ आए हैं। तो अभी हम होटल में हैं, अभी बस फटाफट में नहा धो के हम लोग निकल रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए। कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक 11 बजे के करीब, तो अभी 10 बज रहे हैं तो ऑलमोस्ट निकलते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से सीधा कॉम्पिटिशन में। तो भाई ये है जयपुर का एरिया और ये हमारे भाई जी जिनके साथ मैं आया हूँ, यहाँ पे है इवेंट। तो गाइस ये है वेन्यू, ये हमारा वेन्यू है, हम अंदर जाके देखते हैं हम रेसलिंग कहाँ पर स्टार्ट होगी। ठीक है, एंटर तो हो गए है बट पता नहीं, यहाँ पे बहुत बढ़िया बना हुआ है, किला विला टाइप है, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। नहीं मन गया भाई, ये तो मोई मोई हो गया। अब हम आम रेसलिंग का देख रहे हैं, आम रेसलिंग का कहाँ पर है। और भाई अभी अंदर एंटर हुए थे और यहाँ पर हमें एक मशीन दिखा है जो कि भैया ने डिस्कवर किया है, जो कि आम मतलब बेसिकली इंडिया में ये मशीन नहीं मिलता, आपको बनवाना पड़ता है। तो अगर आप देख रहे हो साइड प्रेशर के लिए, ठीक है, अभी ये प्रोटोटाइप है बट जब इसका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी से ट्राई करके दिखाऊंगा कैसा है प्रोडक्ट। भाई यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ दिक्कत है तो एक, वो है टेबल की। टेबल लिटरली इतना छोटा है कि अगर मैं हूँ या कोई भी लंबा प्लेयर है खड़े हो गया वहाँ पे तो हमें एक पैर जैसे हम रखते हैं ना साइड में नहीं रख सकते, हमें रखना पड़ेगा बहुत आगे पैर को। और खासकर भैया को ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि भैया ज़्यादा लंबे हैं, तो भैया को ज़्यादा दिक्कत होगी टेबल पर खड़े होने में, मेरे को भी हो रही है। एंड टेबल हुकरों के लिए तो बेस्ट है क्योंकि बहुत, एक तो उसका जो ऊपर का रेंज है वो भी बहुत क्लोज है तो हुकर ग्रिप आराम से ले पाएगा और टॉप रोलर बैक प्रेशर ज़्यादा एक्टिव नहीं कर पाएगा। मैच तो वहाँ पर होगा हमारा, तो 1 बजे के करीब बोला है कि स्टार्ट करेंगे, जब तक अपना सोसा जाते हैं और देखते हैं। अब ये सब लखनऊ से आए यहाँ, उससे पहले असंध में थे और उससे पहले प्रो पंजा लीग का सीजन था तो वो मिलते रहते हैं, तो तभी थोड़ा सा जोश कम हो गया है, जोश वापस आ जाएगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा थैंक यू संजय जी। बस एक बार अगर सामने अपोनेंट हो क्या करे, कैसे हंसाने को बता देते, हंसाने कैसे, चलिए बता दे। तो भाई जो बंदे कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड चैंपियन बोलता नहीं है तो वो भी हंसी मजाक करता है, ठीक है। This world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. चल 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 चल।
Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. हमारे बीच हमारे अतिथि श्री बाल मुकुंदाचार्य जी विधायक हवा महल. तो अभी हम लोग कश्मीरी गेट आ गए हैं फाइनली. एंड अब हम लोग जा रहे हैं राजबाग. पहले तो मैंने मून को ही बुलाना था बट 5:30 ऑलरेडी हो गया, मेट्रो स्टार्ट हुई गई है. मैंने सोचा था क्यों डिस्टर्ब करें, तो चलते हैं. और बाकी घर पे बताऊंगा कैसा रहा मैच और वो सब, क्योंकि सोना भी है, कल एक रेफरी सेमिनार है वो भी अटेंड करना है. तो फटाफट चलते हैं घर.